Welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. Today we will know about sentences, कि sentences होते क्या हैं. So, in today's module में हम क्या क्या पढ़ेंगे? We will know, we will have a rough idea about sentences and we will also know what are the different types of sentences. So, first, what is sentence? सबसे पहले जानेंगे कि sentence क्या होता है. So, when we speak or write, we use words. हम जब भी क्या करते हैं, जब भी लिखते हैं या बोलते हैं, हम लोग words की use करते हैं. And we generally use these words in groups as little. हम लोग ये जो वर्ड्स है वो हमेशा ग्रुप में यूज करेंगे. एग्जाम्पल, लिटिल जैक ऑर्नर सैट इन अ कॉर्नर. तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग वर्ड्स है, थोड़े कुछ वर्ड्स है, उसको हम लोगों ने ग्रुप्स में लिया है. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. सो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कम्प्लीट सेंस बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे. सो अब जानेंगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. क्या क्या है? पहला है डिक्लेरेटिव या फिर assertive sentence, second one is interrogative, third is imperative and fourth one is exclamatory sentence. So declarative और assertive sentence होते क्या है? तो वो sentence जिसमें हम statement बनता है, जो एक plain statement देते हैं, assertion या फिर positivity दिखाते हैं, तो उसे हम declarative या फिर assertive sentence बोलते हैं. सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. वॉट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? तो वैसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. फिर थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव में क्या आएगा? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंट्री. वैसे सेंटेंस जो कमांड या फिर एंट्री बताते हैं उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे. एंड द फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो वैसे सेंटेंस which express strong feelings, जो sentence strong feeling या sudden strong emotions को express करेंगे उसे हम exclamatory sentence बोलते हैं. और exclamatory sentence में हमेशा हम exclamation mark का use करते हैं. Now let us look at the examples of the different kinds of sentence. तो यहाँ पे जैसे Humpty Dumpty sat on a wall, तो ये क्या है? एक नॉर्मल डिक्लेरेशन है, एक स्टेटमेंट है. सो इट विल बी असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड वन इज वेयर डू यू लिव. यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है एंड क्वेश्चन वर्ड यूज किए जा रहे हैं. सो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे. देन नेक्स्ट वन इज दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट और इंटरेटिव As be quiet, have mercy upon us. तो इसमें क्या है कि कमांड्स है, रिक्वेस्ट है, ये सब एक्सप्रेस किया जा रहा है. दैट्स वाई ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, वॉट अ सीन, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. नाउ जानेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं. सो दीज सेंटेंसेस मियरली असर्ट एन इंसिडेंट. These sentences ये क्या करते हैं? बस assert करेंगे या फिर कोई incident हुआ उसे बताएंगे. Example, the sun is a big star. तो ये क्या है? एक affirmative है. The Taj is a beautiful monument. He is not in Delhi and it does not glow at night. तो ये जो last के दो sentences हैं, इसमें क्या हुआ है कि not का use किया गया है, इसलिए ये negative sentence हो जाएंगे. और ऊपर के दो हैं, द सन इज अ बिग स्टार एंड द ताज इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट. ये एक assertion है, declaration है. सो इट विल बी असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव. असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दिस इज असर्टिव नेगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दैट अफर्म वन और द अदर फैक्ट आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट टू सेंटेंसेस लिस्टेड अबव आर अफर्मेटिव वंस. ये क्या है? अफर्मेटिव वाले हैं. एंड सेंटेंसेस दैट नेग्लेक्ट अ फैक्ट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. वैसे सेंटेंस जो फैक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. द लास्ट टू सेंटेंसेस लिस्टेड अबव आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. जो लास्ट के दो सेंटेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. फिर क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू ऑर्डर, एडवाइस, कमांड और आस्क फॉर सम फेवर. ऐसे सेंटेंसेस जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो क्या करते हैं? वो ऑर्डर, एडवाइस, कमांड या फिर फेवर को एक्सप्रेस करते हैं. तो ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे. एग्जाम्पल्स क्या है? लाइक कम हेयर,
It is a order. Please give me something to eat. It is a request. Listen to her. It is order या फिर advice and do not smoke here. ये क्या हो जाएगा? Prohibition हो जाएगा. So this is what imperative sentence. फिर है next note. Being an imperative sentence with a verb, do not use a subject. It is always you and is not mentioned. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो imperative sentence होते हैं वो verb के साथ होता है ना, जैसे कम हेयर, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, यहाँ पे वर्ब हो रहा है लाइक कम, कम इज अ वर्ब हेयर, गिव मी समथिंग टू ईट होता है ना, ईट करना इट इज अ वर्ब हेयर, लिसनिंग, स्मोकिंग, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है. तो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब के साथ ही होगा एंड यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. इट इज ऑलवेज यू एंड इज नॉट मेंशनड, यू इज नॉट सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंसेस में मेंशन नहीं होते. एंड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप, हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा और ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करता है. उसके बाद हम जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल क्या है, वेयर आर यू, वेन इज योर फ्लाइट, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, वाज योर पेपर टफ. तो यहाँ पे क्या है, सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गए, ये सब सारे हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, दोज बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, जैसे बी, is, am, are, was, where, have, had, had, shall, will, should, would, can, could, may, might, etc. examples. तो ये जितने भी हैं इसमें क्या है, auxiliary verbs से question को frame किया गया है. Example, have you met her? Was your examination easy? तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी interrogative sentence में आएंगे. And WH word वाले क्या होंगे, those begin with WH question word. जो questions WH word से start होते हैं, जैसे why, where, when, how, whose, whom, etc. are followed by helping verb. तो इसमें helping verb भी follow किए जाते हैं. Example, who is this lady and why are you late? Exclamatory sentences अब क्या होंगे? So these sentences express sudden feelings and emotions of the speaker. इसमें क्या होते हैं? Sudden strong feelings and strong emotions पता चलते हैं speaker के. Examples क्या होंगे? Hush, the baby is asleep. Bravo, our school team won the finals. Alas, I have lost my job. And how pretty the picture is. It is what? Surprise बताया जा रहा है. What a fool I am. Again, it is a exclamatory sentence. Exclamatory mark का use किया जा रहा है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैसे इमोशंस आएंगे, उसमें आएगा सडन जॉय, सडन सरप्राइज, यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर नोइंग समथिंग. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो ये हम लोगों ने फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जाना, असर्टिव सेंटेंसेस, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो थैंक यू.